हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ आलू पालक की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये सब्जी भरपूर मात्रा में आयरन से भरी होगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो आलू और पालक की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम पालक लिया है, जिसे अच्छे से पानी से मैंने धो लिया है। इस तरीके से अगर हम पालक को पहले से धो लेंगे तो इसमें जितना भी मिट्टी वगैरह लगा रहता है वो सब निकल जाता है। अगर आप चाहें तो इसे काट करके भी धो सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 6 मीडियम साइज के आलू को दो दो टुकड़ों में छील करके काट लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम पालक को काट लेते हैं। तो पालक को बिल्कुल हम जितना बारीक काट सकते हैं उतना बारीक काटेंगे, जैसे हम पालक की साग को काटते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सारे पालक को काट लिया है और काटने के बाद भी मैंने इसे एक पानी अच्छे से धोकर स्ट्रेनर में रख लिया है। अब एक पैन में हम 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को पूरा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो इसमें 1 बड़े साइज के प्याज को हमने चौकोर चौकोर ये देखिए काट लिया है, तो इसे हम तेल में डाल देंगे। जैसे हम चोखा के लिए प्याज काटते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें प्याज काटना है। और प्याज को हम लगातार चलाते हुए कम से कम 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और भी अलग अलग तरीके की पालक की रेसिपी हमारे चैनल पे है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप जाकर के वहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, 5 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई किया है। अब हम प्याज में 1 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग डालने से सब्जी जो है वो स्वादिष्ट तो बनती ही है, साथ में सब्जी से बहुत ही अच्छी एक खुशबू आती है। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसे भी हम 1 से 1.5 मिनट तक प्याज के साथ सॉटे कर लेंगे, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। एक मिनट के बाद हम इसमें 1 बड़े साइज के टमाटर को स्लाइसेस में कट करके रखे थे उसे डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इससे क्या होगा कि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। और टमाटर और प्याज को भी हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। दो मिनट के बाद प्याज और टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसमें कटे हुए आलू को डाल देंगे और साथ ही थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। तो मसालों में हमने यूज़ किया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च की मात्रा यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सबको हम एक बार मिक्स करेंगे और पैन को कवर करके आलू को पकने देंगे जब तक कि आलू सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए, पैन का कवर हम हटाएंगे और आलू को चेक कर लेते हैं। तो आलू जो है वो सॉफ्ट हो गया है। आलू को पकने में लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। अब हम इसमें लास्ट में पालक डाल देंगे और पालक डालने के बाद से पालक को बिना चलाए हम ढककर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तीन मिनट के बाद हम पैन का कवर हटाएंगे। ये देखिए, सब्जी में कितना सारा पानी छूटा है ना पालक की वजह से। तो बस अब हमें इसे बिल्कुल कवर नहीं करना है। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका सारा पानी जो है वो सूख ना जाए। ये सब्जी अगर आप चाहिए थोड़ी सी रस वाली चाहते हैं तो इस स्टेज पे भी आप हल्का सा मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सूखी बना रहे हैं तो पानी को सूखने तक हम इसे मिक्स करेंगे।
तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद से सब्जी का पानी जो है वो सूख गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और सब्जी को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो इस स्वादिष्ट पालक आलू की सब्जी को आप एक बार बना करके ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।